हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सीबीस ऑनलाइन लर्निंग। मैं हूं सीबी। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको सीजीपीएससी की प्रिपरेशन की वीडियोस मिलेंगी। आज के इस वीडियो में हम आधुनिक भारत की थर्ड सीरीज करेंगे। अगर आपने आधुनिक भारत की फर्स्ट एंड सेकंड सीरीज की वीडियो नहीं देखी होगी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। आधुनिक भारत की टोटल 5 सीरीज आपको मेरे चैनल पर मिलेंगी फ्रेंड्स। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो अभी कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन सी माइकल मधुसूदन दत्त, ऑप्शन डी आर पाम दत्त। फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक एनी बेसेंट थे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपवहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन था? ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। अपवहन सिद्धांत ड्रेन थ्योरी का शिल्पी और पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक थे दादा भाई नौरोजी, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था? ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन डी लॉर्ड लेंसडाउन। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को निरस्त किया था लॉर्ड रिपन ने, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित कीजिए, सूची एक लेखक, पहला बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र प्रेमचंद, सूची दो कृति, शतरंज के खिलाड़ी देवी चौधरानी और नील दर्पण चंद्रकांता। सुमेलित करते हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनका होगा देवी चौधरानी, दीनबंधु मित्र, नील दर्पण, प्रेमचंद्र, शतरंज के खिलाड़ी। इसका सही क्रम है 2 3 1, 2 3 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र गवर्नर जनरल वायसराय भारत में मारा गया? ऑप्शन ए लॉर्ड मिंटो प्रथम, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंट बेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड लॉरेंस, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड मेयो। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम सी सितलवाड़, वी एन राव तथा अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे? ऑप्शन ए स्वराज पार्टी के, ऑप्शन बी ऑल इंडिया नेशनल लिबरल फेडरेशन के, ऑप्शन सी मद्रास लेबर यूनियन के, ऑप्शन डी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मद्रास लेबर यूनियन के सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सही क्रम में संयोजित कीजिए, पहला है ब्रह्म समाज, दूसरा रामकृष्ण मिशन, तीसरा थियोसोफिकल, चौथा आर्य समाज। तो इसको सही क्रम में संयोजित करना है, तो इसमें पहला होगा ब्रह्म समाज, उसके बाद आर्य समाज आएगा, उसके बाद थियोसोफिकल, उसके बाद होगा रामकृष्ण मिशन। तो इसका सही क्रम जो होगा 1 4 3 2 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किसने भारत के अंग्रेजी उपनिवेशी नियंत्रण की आलोचना में अन ब्रिटिश पदावली का उपयोग किया था? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए आनंद मोहन बोस, ऑप्शन बी बदरुद्दीन तैबाजी, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन डी फिरोज शाह मेहता। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1850 ईस्वी में संबलपुर को साम्राज्य में मिला लेने का कारण या आधार क्या था? ऑप्शन ए समुचित शासन का अभाव, ऑप्शन बी इसके शासक की कमी, किसी उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु, ऑप्शन सी सहायक संधि, ऑप्शन डी इसका ब्रिटिश शासन के खिलाफ षड्यंत्र में शामिल होना। तो ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा 1850 ईस्वी में संबलपुर को साम्राज्य में मिला लेने का कारण या आधार था इसके शासक की किसी उत्तराधिकारी के बिना मृत्यु, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया, ऑप्शन ए चौरी चौरा में, ऑप्शन बी दांडी में, ऑप्शन सी चंपारण में, ऑप्शन डी बारदोली में। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया था चंपारण में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई, ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी तत्कालीन बर्मा में, ऑप्शन सी सिंगापुर में, ऑप्शन डी तत्कालीन मलाया में। आजाद हिंद फौज अस्तित्व में आई थी सिंगापुर में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रांतिकारियों के एक गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था, ऑप्शन ए खुदीराम बोस ने, ऑप्शन बी वी डी सावरकर ने, ऑप्शन सी प्रफुल्ल चाकी ने, ऑप्शन डी भगत सिंह ने। क्रांतिकारियों के गुप्त समाज अभिनव भारत का गठन किया था वी डी सावरकर ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित में से किसने अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिया? ऑप्शन ए रॉलेट कानून के विरुद्ध प्रतिरोध आंदोलन, ऑप्शन बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरुद्ध आंदोलन, ऑप्शन सी महात्मा गांधी का मुकदमा, ऑप्शन डी साइमन मिशन का आगमन। रॉलेट कानून के विरुद्ध प्रतिरोध या आंदोलन जो अतिल यही जो है अखिल भारतीय हड़ताल को जन्म दिए थे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन कमीशन की नियुक्ति निम्नलिखित में से किसके कार्य पर विचार करने के लिए की गई थी? ऑप्शन ए इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1892, ऑप्शन बी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, ऑप्शन डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। साइमन कमीशन की नियुक्ति गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के कार्यकरण पर विचार करने के लिए की गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक तिथि को जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर ठीक अर्धरात्रि का समय होते ही राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया था? ऑप्शन ए 31 दिसंबर 1929, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी 31 दिसंबर 1931, ऑप्शन डी 26 जनवरी 1933। जवाहरलाल नेहरू ने रावी के तट पर ठीक अर्धरात्रि का समय होते ही राष्ट्रीय तिरंगा ध्वज फहराया था
31 दिसंबर 1929 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का एक सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी ए बी एलेक्जेंडर, ऑप्शन सी रैडक्लिफ, ऑप्शन डी पैथिक लॉरेंस। कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था रैडक्लिफ, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला है रॉलेट एक्ट, दूसरा है गांधी इरविन समझौता, तीसरा है मार्ले मिंटो सुधार, चौथा हिल्बर्ट बिल। इसका सही अनुक्रम पूछा गया है, इसमें पहला आएगा हिल्बर्ट बिल, उसके बाद होगा मार्ले मिंटो सुधार, उसके बाद होगा रॉलेट एक्ट, उसके बाद गांधी इरविन समझौता। तो इसका सही अनुक्रम है 4-3-1-2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। सूची एक है व्यक्ति, जी के गोखले, एम ए मालवीय, सी राजगोपालचारी, वी वी सावरकर। सूची दो किसकी स्थापना से संबद्ध? सूची दो में है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, फ्री इंडिया सोसाइटी, स्वतंत्र पार्टी। को सम्मिलित कर लेते हैं, तो इसमें जी के गोखले का होगा सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, एम ए मालवीय इनका होगा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, उसके बाद सी राजगोपालचारी इनका होगा स्वतंत्र पार्टी, और उसके बाद वी वी सावरकर इनका होगा फ्री इंडिया सोसाइटी। तो इसका सही आंसर होगा 1-2-4-3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उर्दू कवियों में से किसे दूसरे और तीसरे गोलमेज सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था? ऑप्शन ए फैज अहमद फैज, ऑप्शन बी जोश महिलाबादी, ऑप्शन सी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन डी फिराक गोरखपुरी। इसका सही आंसर होगा मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? पहला है बारदोली सत्याग्रह, दूसरा राजकोट सत्याग्रह, तीसरा चंपारण सत्याग्रह, चौथा नागपुर सत्याग्रह। सही अनुक्रम पूछा गया है, तो इसमें पहला होगा चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद नागपुर सत्याग्रह, उसके बाद बारदोली सत्याग्रह होगा, उसके बाद राजकोट सत्याग्रह। तो इसका सही अनुक्रम होगा 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। ऑप्शन ए है लाला हरदयाल, ऑप्शन बी राज बिहारी बोस, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी वी डी सावरकर। फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान के सृजन का प्रस्ताव किसने रखा था? ऑप्शन ए एम ए जिन्ना, ऑप्शन बी मोहम्मद इकबाल, ऑप्शन सी रहमत अली, ऑप्शन डी खलीकुज्जमा। इसका सही आंसर होगा एम ए जिन्ना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 सितंबर 1932 को यवर्धा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किसके विरुद्ध में किया था? ऑप्शन ए सत्याग्रहियों पर ब्रिटिश दमन के विरुद्ध, ऑप्शन बी गांधी इरविन पैक्ट के उल्लंघन के विरुद्ध, ऑप्शन सी रैजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट
के विरुद्ध, ऑप्शन डी है कलकत्ता में सांप्रदायिक दंगे के विरुद्ध। 20 सितंबर 1932 को यह वारदात जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किया था। रेजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचाट के विरुद्ध किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वर्ष ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बंबई में गठन हुआ था? ऑप्शन ए वर्ष 1918 में, ऑप्शन बी वर्ष 1919 में, ऑप्शन सी वर्ष 1920 में, ऑप्शन डी वर्ष 1921 में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का बंबई में गठन वर्ष 1920 में हुआ था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वर्ष 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया? ऑप्शन ए रेजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन बी स्टैनले बाल्डविन, ऑप्शन सी नेविल चैम्बरलेन, ऑप्शन डी विंस्टन चर्चिल। सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया था रेजे मैकडोनाल्ड ने, रेमजे मैकडोनाल्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव में प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की। दूसरा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की घोषणा की। तीसरा, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई। उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है पूछा गया है। तो इसमें पहला है, सूर्यसेन के नेतृत्व में क्रांतिकारियों ने चटगांव में प्रोविजनल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्थापना की, ये जो कथन है सही है। और सेकंड कथन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया की स्थापना की घोषणा की, ये कथन भी सही है। और थर्ड कथन है, चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में घटित हुई, ये जो कथन है ये सही नहीं है। तो इसमें पहला और दूसरा कथन सही है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एक और दो दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र नाथ बसु तथा बिपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी वरिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्त तथा सतीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन डी कृष्ण कुमार मित्र तथा हेमचंद्र कानूनगो। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने अप्रैल 1906 ईस्वी में युगांतर नामक साप्ताहिक आरंभ किया था? बारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए सूची एक, अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प, प्रत्यक्ष कार्यवाही। सूची दो में है, लॉर्ड लिनलिथगो, मॉन्टेग्यू, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी दिवस। सुमेलित कर लेते हैं, इसमें पहला होगा अगस्त घोष का होगा मॉन्टेग्यू, और अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो, अगस्त संकल्प महात्मा गांधी दिवस, प्रत्यक्ष कार्यवाही मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका सही आंसर होगा 2143, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुशीलन समिति थी, ऑप्शन ए नारी उत्थान के प्रति समर्पित, ऑप्शन बी विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, ऑप्शन सी मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, ऑप्शन डी एक क्रांतिकारी संगठन। अनुशीलन समिति एक क्रांतिकारी संगठन थी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में स्थापित अंतरिम सरकार में निम्नलिखित से किसके पास रक्षा विभाग था? ऑप्शन ए वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी जगजीवन राम, ऑप्शन सी बलदेव सिंह, ऑप्शन डी आसफ अली।
1946 ईस्वी में स्थापित अंतरिम सरकार में किसके पास रक्षा विभाग था, पूछा गया है। तो बलदेव सिंह के पास था रक्षा विभाग। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपति किसने कहा था? ऑप्शन ए सरोजनी नायडू, ऑप्शन बी सरदार पटेल, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था, राष्ट्रपिता? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बादशाह खान ने घोषणा की कि उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत NWFP न तो भारत के साथ सम्मिलित होगा और न ही पाकिस्तान के साथ, वरन एक स्वतंत्रता प्रभुत्व संपन्न पख्तूनिस्तान राज्य बनेगा। दूसरा है, जून 1947 की AICC की सभा में महात्मा गांधी ने माउंट मेयन योजना का विरोध किया, जबकि पुरुषोत्तम दास टंडन इसके पक्ष में बोले। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है? तो इन दोनों कथनों में केवल जो पहला कथन है वही सही है और दूसरा कथन सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रतिबंध लगाया गया तथा उसके 1,20,000 से अधिक सदस्य गिरफ्तार किए गए थे? ऑप्शन ए लॉर्ड रीडन, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन डी ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन डी लॉर्ड लिथगो। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? ऑप्शन ए मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी M.A. जिन्ना, ऑप्शन डी शौकत अली। 1919 ईस्वी में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर। नहीं, इसमें होगा महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर होगा। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन ए आंध्र, ऑप्शन बी बड़ौदा, ऑप्शन सी जामनगर, ऑप्शन डी मैसूर। किस एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था? तो इसमें बड़ौदा, बड़ौदा के एक देशी रियासत के संविधान का प्रारूप महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला? ऑप्शन ए पृथ्वी सिंह आजाद, ऑप्शन बी सरदार किशन सिंह, ऑप्शन सी उधम सिंह, ऑप्शन डी सोहन सिंह जोश। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को उधम सिंह ने मार डाला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उधम सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन किस वर्ष में समाप्त हुआ? ऑप्शन ए 1910 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1913 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1914 ईस्वी में। लॉर्ड कर्जन ने 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन कर दिया, विभाजन 1911 ईस्वी में समाप्त हुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनैतिक गुरु माना? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी B.G. तिलक, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना एनी बेसेंट ने नहीं की थी? ऑप्शन ए हाउ इंडिया फॉर फ्रीडम, ऑप्शन बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, ऑप्शन सी द केस ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी इंडिया ओल्ड एंड न्यू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया ओल्ड एंड न्यू।
आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे इसके लिए बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।